राजस्थान पुलिस महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जाती है एक गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए, और जब उस गैंगस्टर को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके साथ एक महिला होती है। बाद में मालूम चलता है कि उस गैंगस्टर की वो महिला गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद उन दोनों को राजस्थान लेकर आया जाता है। दूसरे दिन अखबारों में, टीवी में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में ये खबर दिखाई जाती है कि हरियाणा और राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर पपला गिरफ्तार हो गया। अब पपला गुर्जर को तो आप जानते हैं, लेकिन पपला गुर्जर की जो गर्लफ्रेंड थी तथाकथित रूप से, उसे भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। और कहा जाता है कि पपला के साथ उसका भी कुछ, मतलब जो पपला काम किया करता था उस काम में उसका भी कुछ हाथ हो सकता है या फिर उसकी मददगार हो सकती है, ऐसा कहा गया था। और इसके तहत 7 दिन पहले उसको जेल में रखा जाता है, माफ कीजिएगा, थाने में रखा जाता है। उसके बाद उसे जेल भेजा जाता है जहां पर वो 2 महीने 7 दिन के आसपास रखा जाता है उसको। लेकिन जब उसके पिता आते हैं वहां कोल्हापुर से, चूंकि वो लड़की वहीं की रहने वाली थी, वो उसके पिता आते हैं तो वो अपने पिता से रोते हुए सब कुछ बताती है कि किस तरह से पपला गुर्जर के साथ रह के वो बुरी तरह से फंस चुकी है। उसके वकील, जो लड़की है, उसके वकील कहते हैं कि एक गैंगस्टर के साथ वो लड़की बिना किसी जान पहचान के रहने लगी थी। उसको नहीं पता था कि पपला गुर्जर हरियाणा और राजस्थान का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, और इसीलिए वो लड़की उसके साथ रहने लगी थी। दरअसल इन दोनों की मुलाकात हुई थी लॉकडाउन का जो पीरियड पहली बार शुरू हुआ था, उस दौरान पपला गुर्जर फरारी काट रहा था, और फरारी काटते काटते वो महाराष्ट्र में जाकर छिपा था, और वहीं पर उसकी मुलाकात जिया से हुई थी। जिया एक जिम में ट्रेनर थी, वहाँ पर ट्रेनर के रूप में काम करती थी। उसकी शादी पहले हो चुकी थी, चूँकि उसका तलाक हुआ था, तो किसी तरह से वो जिम में ट्रेनर के रूप में काम करके अपना जीवन का जो है गुजर बसर कर रही थी। पपला भी वहाँ पर पहुँचता है और जिम ट्रेनर के रूप में वहाँ पर नौकरी करता है। चूँकि पपला 2 राज्यों का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, तो उसे भी फरारी काटनी थी, तो उससे इससे अच्छा जगह कहीं नहीं मिलता, वो जिम में ट्रेनर बन गया और वहीं पर रहने लगा। इस दौरान पपला की और जिया की दोनों के बीच करीबी रिश्ता होने लगा। पपला ने कहा जिया से कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें जिम खुलवा दूंगा और ऐसे वैसे सारे पैसे मैं दूंगा। हो सकता है कि जिया इसी वजह से पपला के संपर्क में आई हो और पपला के करीब आई हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद सबसे पहले पपला अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मानसिंह है, मैं दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और बिजनेस के सिलसिले में मैं यहाँ पर आया था और लॉकडाउन लग गया, मैं यहाँ पर फंस गया, मैं क्या करूँ। अब दोनों एक साथ रहने लगते हैं लिव इन रिलेशन में, और पपला भी खुश था, वो लड़की भी खुश थी, जिया भी। और इधर राजस्थान की पुलिस पपला गुर्जर को बहुत ही शिद्दत से खोज रही थी। पुलिस को ये जानकारी मिली कि पपला महाराष्ट्र के कोल्हापुर में छिपा हुआ है, और पुलिस पहुंचती है और पपला के घर को, जो आप ये घर देख रहे हैं, इसी घर को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है और बहुत ही नाटकीय ढंग से पपला गुर्जर को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि जब कहा जाता है कि जब पपला गुर्जर को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो पपला गुर्जर जोर जोर से वहां पर चीखने लगा था और बोल रहा था कि कुछ गुंडे आए हैं पुलिस की वर्दी में जो हमें लूटना चाहते हैं। तो कहा जाता है कि गाँव वाले भी पपला के समर्थन में पुलिस वालों पर पत्थर बरसाने लगे थे, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये असली के पुलिस वाले हैं। ये लड़की जिया भी उस समय ये मानने को नहीं तैयार थी कि ये असली के पुलिस वाले, क्योंकि पपला गुर्जर इतना चालाक गैंगस्टर है कि पपला गुर्जर ने पलक झपकते ही सबको ये समझा दिया कि ये पुलिस वाले नहीं हैं बल्कि ये खुद अपराधी हैं जो हमें लूट रहे हैं। हालांकि ये बात आई गई होती है, पुलिस गिरफ्तार करके पपला गुर्जर को लाती है और उसे राजस्थान के अजमेर जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जिया के वकील जब कोर्ट में ये दलील देते हैं कि हमारी क्लाइंट यानी कि जिया को ये नहीं मालूम था कि पपला गुर्जर एक कुख्यात गैंगस्टर है या फिर रह चुका है या फिर उसने जो भी वारदातें की हों, इसमें जिया का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद जिया को जमानत मिल जाती है, जिया अपने पिता के साथ वापस कोल्हापुर चले जाती है। लेकिन इस दौरान जिया को जो यातनाएँ मिली शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, या फिर जिस तरह से जिया का नाम खराब हुआ, उससे कहीं ना कहीं जिया को तो एक सबक मिला होगा। और लोग कहीं ना कहीं आज भी सोशल मीडिया पर या फिर बातों बातों में ये ज़रूर कहते दिख जाते हैं कि पपला गुर्जर हरियाणा राजस्थान का जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है वो एक शेर है, और पपला गुर्जर अभी फ़िलहाल हरियाणा के नारनौल जेल में सजा काट रहा है, जिया अपने घर जा चुकी है। लेकिन इस पूरे कहानी में देखा जाए तो सबसे अगर ज़्यादा ज़िंदगी किसी की ख़राब हुई है तो जिया की ख़राब हुई है। जिया एक पर्सनल जिम में ट्रेनिंग करती थी, ट्रेनर थी, और पपला के चक्कर में आके उसे इतनी सारी यातनाएं सहनी पड़ी। तो अगर देखा जाए तो यही कहा जा सकता है कहानी में जो मैसेज है, इस मैसेज को अगर देखें तो यही आप समझ सकते हैं कि अगर आप किसी से भी दोस्ती कर रहे हैं, किसी भी महिला हो, पुरुष हो, किसी से भी आप दोस्ती कर रहे हैं, तो कम से कम उसका बैकग्राउंड जानिए, चेक कीजिए। हालांकि ये सब करना आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी
इंसान को इन सब बातों को देखते हुए, इन सब ऐसी ऐसी खबरों को देखते हुए, कहीं ना कहीं उसका आगा पीछा, मतलब फ्यूचर क्या है, पास्ट क्या है, सब कुछ उसका चेक करके तब उससे दोस्ती करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिससे फ्रेंडशिप कर रहे हैं वो एक पपला गुजर की तरह मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हो या फिर किसी तरह का कोई अपराधी हो, तो उसके साथ अगर हम हैं तो हम भी बुरी तरह से फंस सकते हैं। फिलहाल जिया अभी अपने घर जा चुकी है और पपला गुजर अभी नारनौल के जेल में बंद है। इससे पहले पपला गुजर अजमेर की जेल में बंद था, जहां पर अजमेर की जेल में कभी पपला गुजर ये कहता हुआ पाया जाता था कि उसकी जेल में हत्या हो सकती है, कभी ये कहता था कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, कभी ये खबरें आती थी कि पपला गुजर जेल से भागने की फिराक में है। पपला गुजर के पिता भी लगातार इन सब बातों को लेकर पपला का समर्थन करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन इन सब के इतर अगर देखा जाए तो पपला गुजर की फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत टक्कर देने वाली, मतलब बहुत ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि पपला गुजर को अगर कुछ हो गया तो राजस्थान सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक गैंगस्टर का इतना अगर रसूख है, लोग उसके समर्थन में उतर आते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पपला गुजर कितना बड़ा गैंगस्टर है हरियाणा और राजस्थान का। फिलहाल कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आपसे इजाज़त लेते हैं, कल किसी और कहानी के साथ मिलेंगे आपसे। आप देखते रहिए BDF न्यूज़। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।